नमस्कार। आपको एक बात पता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? कौन सा ऐसा पाप है जो सबसे बड़ा पाप है, इसके आगे सभी पाप छोटे पड़ जाते हैं? नहीं पता, मैं बताता हूं। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है जीव हत्या का, यानी चींटी से लेकर हाथी तक को मारना सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा सबसे बड़ा पाप है पेड़ पौधों को नष्ट करना, उनको जड़ों से उखाड़ कर फेंक देना या उनको काट कर अपने लिए प्रयोग में ले आना। तीसरा सबसे बड़ा पाप है ब्राह्मण हत्या करना। किसी भी जीव जंतु, जीव में सब आ जाते हैं, उसकी अगर आप हत्या करते, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मछली हो, अगर आप उसकी हत्या करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और पेड़ों को नष्ट करना, उनकी जड़ों को नष्ट करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जानवर की जान ले लेना सबसे बड़ा पाप है। तो इस पाप से आप बचिए। और ये पाप आज न जाने कितने लोग करते हैं और कहते हैं कि हम दुखी हैं, तो आपके दुखी होने का एक बड़ा कारण ये भी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं लेकर आया हूं अप्रैल 2024 का राशिफल। अप्रैल 2024 में आपके सितारे कितने आपके साथ होंगे, जो सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे। ना हमें आपको डराना है, ना आपका दिल बहलाना है, बस आपको सच्चाई के साथ चलना सिखाना है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा, इन उपायों को आप करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी चंद्र राशि से। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारा राशिफल कैसा लगता है। बात करते हैं आपकी चंद्र राशि की। मकर राशि मास आरंभ में, यानी जो महीना शुरू होगा, तो शनि मंगल कुंभ राशि के द्वितीय भाव में, सूर्य शुक्र और राहु मीन राशि के तृतीय भाव में, बुध और बृहस्पति मेष में, चतुर्थ भाव में केतु कन्या राशि के नवम भाव में, धनु राशि के होंगे चंद्रमा, बारहवें भाव में चलायमान होंगे। चंद्रमा वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में, 25 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में, 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में और बुध वक्री भी रहेंगे इस पूरे महीने में, लगभग 24 दिन ये महीना शुरू होगा। तो आपकी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी, टेंशन में रहेंगे, आपकी सारी ऊर्जा और उमंग जो है ना, जो जोश था ना, वो धीमा पड़ जाएगा। धन के मामले में थोड़ी दिक्कतें होंगी, पैसा कमाने में दिक्कत होगी, पैसा मिलने में दिक्कत होगी, अपना ही पैसा आपको शायद ना मिले वक्त पर, थोड़ा सोच समझ कर पैसा खर्च करें, बजट बिगड़ सकता है। आपके कुछ गुप्त बातें जो आप खुद ही जानते हैं, आपके जो गुप्त राज थे वो बाहर आ सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपकी इज्जत पर दाग लग सकता है। आपका अनुकूल जो समय होगा वो 3 और 4 तारीख के बाद आएगा, तो इससे पहले सावधान रहें। दूसरों का दिल जीतने के लिए आप खुद से सौदेबाजी का गुण सीखेंगे, यानी आप किसी का दिल जीतना चाहेंगे तो सौदा करेंगे, पैसे से शायद आप किसी को खरीदने की कोशिश करें। तमाम तरह के संबंध आपके सुधरेंगे, व्यापार में फायदा होगा। और जब किसी का दिल जीतना हो तो पैसा नहीं, प्यार से जीता जाता है। तो जहां पे प्यार से आप किसी को जीत सकते हैं वहां प्यार से जीतिएगा, जहां पर पैसा चाहिए वहां पैसा दिखाइएगा, और जिसको प्यार चाहिए उसको अगर पैसे से जीतेंगे तो हार जाएंगे। यात्राएं अच्छी रहेंगी, आपके प्रयास और मेहनत में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। 5 और 6 तारीख को समय बहुत अच्छा है, आप आपके जो अपने चाहने वाले हैं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। आप एकांत में बैठकर, चुपचाप बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरी कमियां क्या है, मैं क्यों पीछे हूँ, मैं आगे क्यों नहीं हूँ, मुझे और सफल कैसे होना है, इस चीजों के बारे में आप एकांत में खुद अपने आप से बातें करेंगे इस महीने में। लंबे समय से आ रही जो संतान की आपकी समस्या थी, संतान की शिक्षा की, संतान की सेहत की या संतान के विवाह की, वो भी इस महीने समाप्त हो रही है। 7 तारीख को कहीं से अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अध्ययन बच्चे करेंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे और जो टीचर है उनका काम भी बहुत अच्छा चलने वाला है। 8 तारीख को आपके पैसों की बढ़त हो रही है, आर्थिक मामलों में शुभ समाचार मिल रहे हैं, नौकरी में तरक्की मिल रही है, नया फर्नीचर घर में आ सकता है। 9-10 तारीख को समय थोड़ा सा खराब है, घर में कलह की स्थिति रहेगी, परिवार में विवाद का सामना करना पड़ सकता है, कामकाजी महिलाओं को परेशानी या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उनके साथ। कुछ देखिए महिलाएं जो है ना, थोड़ा सा संभल के रहे, उनको लोग ना कुछ ऑफिस में, घर के बाहर या कहीं पर भी कुछ लड़के या कुछ बदमाश लोग
कुछ कमेंट पास कर सकते हैं जिससे उनकी लड़ाई हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, बात पुलिस तक भी जा सकती है। 11, 12, 13 तारीख को ज्ञानवर्धक समय रहेगा। व्यवसाय में जो चल रहा है बहुत अच्छे से चलेगा, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा फल मिल जाएगा। इस महीने आपको ये पता रहेगा कि आपको कब और क्या करना है, आपको अपने कर्तव्य पता है, आपको अपने दायित्व पता है। 14 और 15 तारीख को समय पैसे का है, कहीं ना कहीं से आपकी इनकम बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद मिल सकता है, आपको उनका आदर सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के साथ वक्त बिताइए, कोई सरकारी अटका हुआ काम भी पूरा हो रहा है, किसी की मदद से आपके काम पूरे हो जाएंगे। 16-17 तारीख को समय बहुत अच्छा है, करियर में नया उछाल आएगा, किसी को उधार दिया हुआ पैसा वसूल हो सकता है, परिवार के साथ छुट्टी मौज मस्ती का कार्यक्रम बनेगा, सामाजिक आयोजन हो सकता है, शादी ब्याह पार्टी मौज मस्ती में कहीं जा सकते हैं। एक नया जोश भरने वाला ये महीना होगा, आर्थिक पक्ष पहले से ज्यादा मजबूत होगा, इनकम अच्छी है इस पूरे महीने में। 18-19-20 तारीख को समय अच्छा नहीं, आप काम को ज्यादा करेंगे, रिजल्ट कम मिलेगा, आपके प्रतिद्वंदी आपके साथ वाले लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। 18-19-20 तारीख संभल के रहिएगा, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, संतान से अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकता है। 21-22 तारीख को समय बहुत अच्छा है, शानदार समय है, आप अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाएंगे और पूरी संजीदगी से आगे बढ़ेंगे। 24-25 तारीख को समय फिर से अच्छा है, यह समय तरक्की का है, बदलाव का है, नौकरी में परिवर्तन का है और आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, नया बदलाव होने वाला है। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अपने ही देश में कहीं या विदेश भी जा सकते हैं। 26-27 तारीख को चंद्रमा आपको सफलता दिला रहे हैं, आप काम को लेकर आपके मन में एक लगन रहेगा, एकदम बढ़िया तरीके से काम करेंगे, जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे उस काम को करके ही छोड़ेंगे, नौकरी में बॉस आपके मेहरबान रहेंगे, कोर्ट कचहरी या सरकारी कामों में सफलता मिल रही है, कोई अप्रिय घटना 28-29-30 तारीख को घटित हो सकती है, सावधान रहिएगा, वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखिएगा। 28-29-30 तारीख को नशे से दूर रहें और शेयर मार्केट या जुआ या सट्टेबाजी से 28-29-30 तारीख में बच कर रहें तो बेहतर रहेगा। आपके महीने का जो समय है अच्छा ही कहा जाएगा। आपको करना क्या है, आपको शनि चालीसा पढ़नी है और हनुमान चालीसा पढ़नी है। शनि मंदिर जाइए या हनुमान मंदिर जाइए, वहां पर शनि चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ राधे राधे जपिए, बांके बिहारी के दर्शन करिए, श्री कृष्ण की आराधना करिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और जिन लोगों को जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट हो, वो एक बार यमुना नदी में डुबकी लगा ले या यमुना नदी के जल से नहा ले, उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, यकीन मानिए आनंद आ जाएगा। तो अच्छा समय है, इस पे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। और नंबर कहाँ है, ये स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। देखिए राशिफल देखना एक अलग बात है और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराए बगैर इस राशिफल को देखने का कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या कहते हैं ना, सार्वजनिक हम आपको गणना दे रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये गणना नहीं की गई है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा अच्छा सुनने को मिले, लेकिन वो अच्छा अच्छा आपके जीवन में शायद ना हो। तो कुछ लोगों के साथ तो अच्छा हो भी जाएगा, कुछ लोगों के साथ नहीं होगा। तो इसलिए कृपया करके अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, वहीं से पता चलेगा कि आपके साथ कब अच्छा होगा। नमस्कार।